हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर ऑफ फायर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जो कि आपके किसी न किसी माइनिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि डीजीएमएस, माइनिंग सरदार, ओवरमैन एंड इवन की मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम वह क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपके पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन इसे सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से आप सारे एमसीक्यूज जो कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर एंड फायर डेंजर ऑफ फायर से रिलेटेड है वो आप कवर कर सकते हैं एक सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर? आलू का पूरी, हाँ यार बहुत दिनों है खाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर? People shall leave a portable light underground in charge of other person at end of shift of mine worked in continuous succession. All lights shall be extinguished. Flame welding can be done in degree third degree mines by the permission of regional inspector. None of the above. तो निम्न में से कौन सा prohibited है? ठीक है, निम्न में से कौन सा लाइन जो है तो प्रोहिबिटेड है आपका? क्या बात है विपुल, क्या बात है, वेरी गुड सुशांत। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। प्रोहिबिटेड मतलब किस चीज पर जो नियम के विरुद्ध है निम्न में से, है ना। अब देखिए इसके बारे में ये वाला पॉइंट जो है ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 136 का है। ये सारे रेगुलेशन नंबर 136 के हैं। पहला वाला है कि सब रेगुलेशन नंबर 4 से है, ये पहला वाला 4 से है। इसमें बोलता है, क्या बोलता है रेगुलेशन, कि कोई भी व्यक्ति पोर्टेबल लाइट को नहीं छोड़ेगा बिलो ग्राउंड में, पोर्टेबल लाइट या लैंप को बिलो ग्राउंड में नहीं छोड़ेगा अनलेस, जब तक कि, मतलब कि छोड़ सकता है किस कंडीशन में, ही हैज प्लेस्ड इट इन चार्ज ऑफ सम अदर पर्सन रिमेनिंग देयर इन, किसी दूसरे व्यक्ति के चार्ज में छोड़ सकता है। तो मैंने भी तो वही कहा, पर्सन शैल लीव अ पोर्टेबल लाइट अंडरग्राउंड इन चार्ज ऑफ अदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है तो पोर्टेबल लाइट को नीचे छोड़ देगा किसी दूसरे चार्ज के, किसी दूसरे व्यक्ति के चार्ज में। गलत क्या है यार, वही तो चीज बोला है। तो ये चीज तो प्रोहिबिटेड नहीं है ना, ये तो नियम के हिसाब से है, नियम के विरुद्ध तो गए ही नहीं हम। उसके बाद नन ऑफ द अबव तो अब आंसर नहीं होगा इसका मतलब, है ना। अगले पे आते हैं, फ्लेम वेल्डिंग कैन बी डन इन नन ऑफ द अबव, अभी भी हो सकता है, सॉरी अभी भी हो सकता है, अभी हो सकता है। फ्लेम वेल्डिंग कैन बी डन इन थर्ड डिग्री माइंस बाय द परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर, ये भी सही बात है यार, थर्ड डिग्री माइंस में फ्लेम वेल्डिंग करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन ले लो, बिल्कुल सही है, ये भी नियम के हिसाब से। एट एंड ऑफ शिफ्ट ऑफ माइन वर्कड इन कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑल लाइट शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। शिफ्ट के एंड में जब सारे व्यक्ति बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उस समय आपको बोलता है कि माइंस की लाइट बंद कर दीजिए, पावर कट ऑफ कर दीजिए। लेकिन लेकिन अगर आपकी माइंस, अनलेस द माइन इज वर्कड बाय अ कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट, लेकिन अगर आपकी माइंस कंटिन्यूअस सक्सेशन, मतलब एक शिफ्ट के बाद दूसरा शिफ्ट, उसके बाद तीसरा शिफ्ट लगातार चल रहा है कंटिन्यूअस सक्सेशन में, तो उस केस में आपको लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है शिफ्ट खत्म होने के बाद। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पे तो बोल रहा है कि बंद कर दो, लेकिन नहीं यार, बंद नहीं करना है ना, तब
तो ये तो नियम के विरुद्ध चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ही गलत हुआ। वेरी गुड एवरीवन, यही पढ़ के आए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। अगर हम अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस लेते हैं फायर के अगेंस्ट, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? हाँ, किंगशुक भी, अजय भी, वेरी गुड, आप दोनों का सही था। अगर हम अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर लेते हैं, मतलब कि सिर्फ सीधे सीधे बोलना चाह रहा है, रेगुलेशन नंबर 136 की बात करना चाह रहा है, तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट इज द ड्यूटी ऑफ इंचार्ज पर्सन टू ब्रिंग द वेल्डिंग अपरेटस बैक टू सरफेस। बिल्कुल, ये तो सही है। लैम्प कैन बी लेफ्ट बिलो ग्राउंड अंडर द चार्ज ऑफ अदर पर्सन। बिल्कुल सही है। ऑल पावर शैल नॉट बी कट ऑफ आफ्टर ऑल पर्सन हैव लेफ्ट द माइन एट द एंड ऑफ शिफ्ट। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब सारे व्यक्ति माइंस को छोड़ देंगे अंदर से शिफ्ट के एंड में, तो उस समय पावर कट ऑफ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ अंडरग्राउंड प्रिकॉशन से अगेंस्ट फायर। नॉट प्रोहिबिटेड मतलब नियम के विरुद्ध नहीं है, नॉट अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट लॉ। अब नॉट अगेंस्ट लॉ मतलब आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ, आंसर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ वाला, जो नियम के हिसाब से सही हो। इनएडिक्वेट स्टेप्स शैल बी टेकन टू कंट्रोल और आइसोलेट फायर। फायर को कंट्रोल और आइसोलेट करने के लिए पर्याप्त स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। प्रोविजन शैल नॉट बी मेड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर इन माइन। ऐसे नियम नहीं बनाए जाएंगे कि माइंस को में आग फैलने से रोका जाए। अनयूज्ड वर्किंग्स कनेक्टेड टू सरफेस शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर। जो अनयूज्ड वर्किंग्स हैं उनका और वो सरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनमें हम जो है तो इंस्पेक्शन करेंगे इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको पहले वाले में बोल रहे हैं कि भाई पर्याप्त स्टेप्स मतलब ऐसे कदम ना उठाइए जिससे कि आग को कंट्रोल किया जा सके, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। ऐसे काम ना करिए, ऐसे नियम ना बनाइए। दूसरे वाले में बोलता है ऐसे नियम मत बनाओ कि आग फैलने से रोका जा सके, ये भी गलत है यार, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का अगर खतरा बनता है, तो निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग का अगर खतरा होता है, तो निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है? आर्टिफिशियल पैनल शैल बी क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉपिंग इफ डेवलप्ड इन पैनल्स। द सीम और सेक्शन शैल बी वर्क्ड इन पैनल्स हैविंग डिपेंडेंट वेंटिलेशन। पैनल शैल नॉट बी डेवलप्ड टू आइसोलेट वन फ्रॉम अनदर इजिली वेन नेसेसरी। None of the above. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, चलो एक बार समझते हैं, इसीलिए एक दिन पहले नहीं भेजता हूं मैं, क्योंकि तो क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन नहीं लेंगे? ठीक है, नहीं नहीं सही है ना, आर्टिफिशियल पैनल बनाएंगे स्टॉपिंग बनाकर, अगर आपने पैनल्स में डेवलपिंग किया हो तो। ये तो गलत हो जाता है ना यार, अगर आपने पैनल्स में डेवलप नहीं किया है, ठीक है, तब आप आर्टिफिशियल पैनल लगाते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट लिख दिया है, तो ये भी प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है, ये भी प्रिकॉशन लेना जरूरी नहीं है। पैनल शैल नॉट बी डेवलप्ड टू आइसोलेट वन फ्रॉम अनदर इजिली व्हेन नेसेसरी। पैनल इस तरीके से डेवलप नहीं करने हैं ताकि एक दूसरे को, एक पैनल को दूसरे पैनल से क्या किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके, ठीक है, इजिली। तो ऐसा तो नहीं है, आपको पैनल्स इस प्रकार से डेवलप करने हैं, इस प्रकार से डेवलप करने हैं कि आपका एक पैनल को दूसरी पैनल से जब चाहे तब आइसोलेट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, बस यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना होगा। डिस्कार्ड, क्योंकि इनमें से हम कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, ऐसे कोई भी प्रिकॉशंस आपको नहीं लेने हैं इस प्रकार के, ये सारे के सारे नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, माय मिस्टेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर शैल बी डन विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल सीम। आर्टिफिशियल पैनल्स शैल बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग्स इफ नेसेसरी। पैनल साइज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। सेक्शन शैल बी वर्कड इन पैनल्स। करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूरा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि जो पैनल का साइज होता है वो डिपेंड होता है किस पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे। भाई जो नंबर ऑफ पिलर्स होंगे वो डिपेंड करता है किस पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे। यहां पे बोल रहा है नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। एज पर द प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017, स्पॉन्टेनियस हीटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सीएमआर 2017 के नियमों के अनुसार स्पॉन्टेनियस हीटिंग को किस, निम्न में से किस चीज की मदद से प्रिवेंट किया जा सका है, सकता है? बिलो ग्राउंड में कोयला छोड़कर स्टॉक करके, बाय लीविंग स्टैक्ड कोल बिलो ग्राउंड। एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फायर डैम्स नियर द फेस। क्या ये वाला नहीं होगा जी, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन। बाय सीलिंग द एरिया वेयर कोल रिमूवल इज नॉट पॉसिबल। एरिया को सील कर देना जहां पे कोल का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड इज ओवर। इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद कंप्लीट एक्सट्रैक्शन करिए पिलर्स का, ठीक है। अरे ऑप्शन नंबर बी भी तो होगा भाई, अपन को बोलता है ना फायर डैम्स बनाओ। भाई पिलर्स का एक्सट्रैक्शन तभी करो जब आप फायर डैम बनाओगे, बोल भी रहा है कहां पर, सब रेगुलेशन नंबर सिक्स, रेगुलेशन नंबर 137, सब रेगुलेशन नंबर सिक्स। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स
इन एनी सीम शैल बी कमेंस अंटिल फायर डैम्स आर प्रोवाइडेड। जब तक फायर डैम प्रोवाइड नहीं करा देते हो तब तक आपको जो है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स नहीं करना है। तो फायर डैम्स प्रोवाइड कराने के बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स करेंगे। अब बताओ कौन सा सही है। बिफोर क्यों होगा? मतलब पिलर्स अरे चुप चुप रहो, सुनो ध्यान से। रेगुलेशन क्या बोलता है? नो एक्सट्रैक्शन, नो एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये बोल रहा है अंटिल अंटिल फायर डैम्स। ये दो शब्द देखे, एक्सट्रैक्शन तब तक ना करो जब तक फायर डैम ना प्रोवाइड करा दो। ध्यान से सुनना, एक्सट्रैक्शन तब तक ना करो जब तक फायर डैम ना प्रोवाइड करा दो। अब इसी लाइन को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, एक्सट्रैक्शन करो फायर डैम प्रोवाइड कराने के बाद, एक्सट्रैक्शन करो फायर डैम प्रोवाइड कराने के बाद। तो वही ना बोला है यार, अब बिफोर कहां से लगा दूं यहां पे? फायर डैम प्रोवाइड कराने के पहले एक्सट्रैक्शन कर लो। नहीं ना, फायर डैम प्रोवाइड करा दो उसके बाद एक्सट्रैक्शन करो, ठीक। अब ऐसी जगह पे जहां पे कोयला रिमूव नहीं किया जा सकता, कोयला वहीं पे पड़ा हुआ है, नहीं हटा पा रहे हो, ठीक है, ये कहां पे दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है सब रेगुलेशन नंबर 5 में। तो वहां पे उस एरिया को सील कर दो। हाँ संकेत, बिल्कुल सही पकड़े हो, संकेत पकड़ ले गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पे जो वर्ड यूज किया ना, ये नियर द फेस, ये गलत है। क्यों? यहां पे आपका होगा इन ऑल एंट्रेंसेस टू द पैनल, टू द पैनल। ठीक, अच्छा शिंदे बुलाऊंगा तुमको, ठीक है, फिर ऐसा लगेगा कि हम पुलिस में आ गए हैं। होता है ना वो महाराष्ट्र में शिंदे गायतुंडे फिक्स रहते हैं, कॉपीराइट है इनका। तो फायर डैम्स के बारे में यार नहीं पता है मुझे, मैं सच बताऊं, ढूंढा भी था, मुझे पता था आप लोग पूछोगे ही, ढूंढा भी था बट मुझे नहीं मिला, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा बहुत ही ढूंढा था क्योंकि मुझे 5 घंटे लगे आपके ये क्वेश्चंस बनाने में, कल इसमें थोड़ा मन लगा के बनाया था। As per the provisions of CMR 2017, spontaneous heating cannot be prevented by which of the following? CMR 2017 के नियमों के अनुसार अनुसार spontaneous heating निम्न में से किस चीज के द्वारा प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, मतलब कि रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो वह चीज ढूंढनी है इन 4 ऑप्शन में जो कि नियम के विरुद्ध है। इफ रिमूवल ऑफ कॉल इज नॉट पॉसिबल द एरिया शैल बी इफेक्टिवली सील्ड ऑफ, ये तो नियम से है यार। शेल शैल नॉट बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर डैम, शेल का इस्तेमाल नहीं करना है फायर डैम बनाने में, ये भी सही है यार। एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर शैल बी कमेंस्ड
आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर डैम्स एट द एंट्रेंस ऑफ पैनल, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर शैल बी डन आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉपिंग्स नियर द फेस। तो यहाँ पे नियर द फेस बोल दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपका नियम के विरुद्ध हो जाता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ प्रिकॉशंस टेकन अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ईटिंग। निम्न में से कौन सी चीज नियम के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस ईटिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो हम सावधानियां बरत रहे हैं, स्पॉन्टेनियस ईटिंग को रोकने के लिए जो सावधानियां बरत रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जो नियम के विरुद्ध नहीं है। मतलब कि विरुद्ध नहीं है तो मतलब नियम के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है, ठीक है। तो कार्बोनेशियस मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉपिंग्स। स्टॉपिंग्स बनाने के लिए कार्बोनेशियस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये तो नियम के विरुद्ध है, नियम के हिसाब से वाला ढूंढना है। गोव्ड आउट पैनल शैल बी इनएडिक्वेटली आइसोलेटेड बाय स्टॉपिंग। गोव्ड आउट पैनल्स को जो है तो इनएडिक्वेटली आइसोलेट करेंगे, इनएडिक्वेटली लगा दिया तो ये तो गलत हो गया। इनसफिशियंट नंबर ऑफ पर्सन शैल बी ट्रेन्ड फॉर यूजिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। इनसफिशियंट नंबर ऑफ पर्सन को ट्रेनिंग देनी है, मतलब पर्याप्त नहीं होना चाहिए, पर्याप्त नंबर ऑफ पर्सन को ट्रेनिंग नहीं देंगे हम फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स के लिए, तो ये भी आपके नियम के हिसाब से नहीं है, ठीक है। आपको तो ऐसा चाहिए जो नियम के हिसाब से सही हो, तो न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है, सारे नियम के विरुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूरे गांव को ट्रेनिंग देंगे, बिल्कुल दे दो यार। ठीक है, ये सब नियम के अगेंस्ट हैं, आपको नियम के हिसाब से चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन में ही पकड़ लिया कि सामने वाला पूछना क्या चाहता है और उसके बाद अगर आप वही चीज यहां पे ढूंढना स्टार्ट करो तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन में ही पकड़ो कि आखिर भाई साहब ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। सीएमआर के नियम के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी इंस्पेक्टेड ऑन एवरी आइडल डे टू प्रिवेंट डेंजर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस हीटिंग। मतलब जिस दिन भी काम बंद होगा उस दिन निम्न में से आपको कौन सा चीज इंस्पेक्शन करने को बोला जा रहा है सीएमआर 2017 के नियमों में, कौन सी चीज का इंस्पेक्शन करने को बोला जा रहा है? अनयूज्ड वर्किंग्स का, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स का, या फिर डेवलपिंग डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट्स का, या संप का? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। चलो बहुत छोटी सी चीज थी, ध्यान दिए, बहुत सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी से रिलेटेड हमारे दो चार क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि घुमा फिरा के वही चीज पूछेगा, ठीक है, मतलब मैं पूछूंगा, कोई पूछेगा थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंस्पेक्टेड once at least in every 7 days to ensure risk of fire। निम्न में से जो 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन होता है आग का रिस्क पता करने के लिए, ठीक है, आग का रिस्क है कि नहीं ये पता करने के लिए, तो किस चीज का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है? आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस चीज का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है, तो जो नहीं किया जाता उसको ढूंढ लो। डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट, सील्ड ऑफ अनयूज्ड वर्किंग्स, नॉट सील्ड ऑफ अनयूज्ड वर्किंग्स, आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ट अराउंड द गोव्ड आउट एरिया। तो 7 दिन में जो एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, ये दिया है आपका सब रेगुलेशन नंबर 15, किसके, कौन से रेगुलेशन के, रेगुलेशन नंबर 137 के, रेगुलेशन 137 सब रेगुलेशन नंबर 15 में दिया हुआ है कि जितनी भी अनयूज्ड वर्किंग्स हैं, भले वो सील्ड ऑफ हो या ना हो, जितने भी आपने गोव्ड आउट एरिया के आसपास चारों तरफ आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाए हैं,
तो उन सभी का आपको 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करना है। किसका इंस्पेक्शन नहीं करना है, किसका इंस्पेक्शन नहीं करना है आपको? आपको डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन के बारे में यहां पर नहीं बोला है, ठीक है? डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्शन के बारे में इसमें नहीं बोला है सब रेगुलेशन नंबर 15 में, तो इसका इंस्पेक्शन करना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट नहीं यार, नहीं कह सकते। मान लीजिए आपका आइडल डे कुछ और हो गया तो, रेस्ट का दिन अलग चीज है यार, रेस्ट का दिन तो अलग हो जाता है। छुट्टी का दिन कह सकते हो, छुट्टी का दिन कह सकते हो, रेस्ट का दिन ना वो नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, जिस दिन पूरा काम बंद हो कोई नहीं है वो आइडल डे हो जाता है, मतलब खाली खाली दिन है एकदम, कुछ नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन हाउ मेनी डेज डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी इंस्पेक्टेड? डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कितने समय में एक बार इंस्पेक्ट किया जाएगा? एवरी आइडल डे, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाउ मेनी डेज सीओ परसेंटेज टेस्टिंग शैल बी डन फ्रॉम एवरी डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट? हर एक डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट से सीओ का परसेंटेज टेस्ट कितने समय में एक बार किया जाएगा? एवरी आइडल डे, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हर 7 दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स इन केस ऑफ प्रिकॉशंस और फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ईटिंग? जो अनयूज्ड वर्किंग का इंस्पेक्शन किया जा रहा है उसका मेन मुद्दा क्या है? क्यों सागर इतने मैसेज कर तो रहा है बीच बीच में हंसने वाले, क्यों इतने मतलब इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है, क्या पता करने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है अनयूज्ड वर्किंग्स का? फायर का रिस्क पता करने के लिए, रूफ की कंडीशन देखने जाना है, या फिर वेंटिलेशन देखने जाना है, या फिर इनमें से सभी चीजें? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, फायर का रिस्क पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग? स्पॉन्टेनियस हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए निम्न में से कौन सी चीज प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड मतलब, प्रोहिबिटेड मतलब क्या ढूंढना है ऑप्शन में, क्या ढूंढना है? प्रोहिबिटेड है ये बोल रहा है, प्रोहिबिटेड है मतलब, प्रोहिबिटेड का मतलब नियम के विरुद्ध है, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ। वही ऑप्शन ढूंढिए जो लॉ के अगेंस्ट है, नियम के विरुद्ध है, ठीक है? फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूड शैल बी यूज्ड बिलो ग्राउंड, ये नियम के हिसाब से है। कोल कैन बी स्टॉक्ड बिलो ग्राउंड विथ वाटर स्प्रे अरेंजमेंट, ये भी नियम के हिसाब से है ना भाई? वाटर अरेंजमेंट के साथ स्टोर कर सकते हो ना? कोल कैन बी स्टॉक्ड ऑन सरफेस विथ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल अरेंजमेंट, नन ऑफ द अबव, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड एवरीवन। बिलो ग्राउंड में कोयले का स्टॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सरफेस की बात कहा है उसने, सरफेस पे स्टॉक कर लो, बिलो ग्राउंड में स्टॉक नहीं करना है।
हो गया थोड़ा, क्या है अमिताभ बच्चन वाला निकल आता है ना, इतने क्वेश्चंस तो हमको लगता है अमिताभ बच्चन भी ना पूछा होगा जितने आज तक हम तुम लोगों से पूछ चुके हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ईटिंग। वही है, मतलब हर बार ये जो लाइन लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि इस रेगुलेशन को प्रिफर करो, रेगुलेशन नंबर 137 से देख के करो, इस लाइन का मतलब यही है। तो प्रोहिबिटेड क्या है, अगेंस्ट द लॉ, फिर से ढूंढो क्या है अगेंस्ट द लॉ। मेरे को कितने पैसे मिले। फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूड कैन नॉट बी यूज बिलो ग्राउंड। फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूड का इस्तेमाल नहीं करना है बिलो ग्राउंड। फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूड नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज इन डिग्री माइंस। RIM can exempt from use of fire resistant hydraulic fluid in degree 1 mines. Hydraulic fluid shall not come in contact of hot surface. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही जा रहा है अगेंस्ट द लॉ। भाई बिलो ग्राउंड में तो हाइड्रोलिक फ्लूड, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूड यूज करना है ना, यहाँ पे बोल रहा है नहीं यूज करना है, ये नियम के विरुद्ध चला गया। ठीक है, डिग्री 1 माइंस में हाइड्रोलिक फ्लूड यूज करिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि फायर रेजिस्टेंट यूज करिए। किससे एग्जेम्पशन मिलेगा, रीजनल इंस्पेक्टर एग्जेम्पशन दे देगा। हाइड्रोलिक फ्लूड जो आप यूज कर रहे हैं वो कभी भी किसी हॉट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिकल अपरेटस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, किसी केबल के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। एक रेगुलेशन से सोचो, अभी तक अपना 137th रेगुलेशन ही चल रहा है, कितने क्वेश्चंस बन गए, पांचवे क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, अभी 16वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, अभी तक ये रेगुलेशन ना खत्म हुआ। एटलीस्ट हाउ मेनी स्मोक हेलमेट्स शैल बी केप्ट नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड। कम से कम कितने स्मोक हेलमेट्स रखने हैं बिलो ग्राउंड में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 स्मोक हेलमेट्स रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ, हो गया अब खत्म, 15 तक ही थे मेरे पास अच्छे क्वेश्चंस, अब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज इन डंपर्स ऑफ कैपेसिटी लेस देन 35 टन्स यूज इन ओपन कास्ट माइंस एज पर द प्रोविजन ऑफ द सीएमआर 2017। कैन बी यूज बोला है कि किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे डंपर्स में जिनकी कैपेसिटी 35 टन से कम है, सीएमआर 2017 के नियम के अनुसार। सेमी ऑटोमेटिक फॉर्म टाइप सोडा एसिड ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और सेमी ऑटोमेटिक टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसीलिए, मैं जान रहा था बोलोगे सबका सब यूज कर ले, तो मैंने इसीलिए सीधे सीधे ये लाइन भी आखिरी में जोड़ दी। एज पर द प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी सीम वेयर आउटलेट्स ऑफ द सीम आर विद इन डैश ऑफ एन एक्टिव फायर। किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीम में नहीं भेजना है जिसके डैश दूरी के भीतर कोई भी एक्टिव फायर है, 10 मीटर, 20, 30, 60, तो 60 मीटर के भीतर अगर कहीं पर आग लगी है किसी भी सीम के, तो उस सीम में किसी व्यक्ति को काम करने के लिए नहीं भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑन हाउ मेनी डेज एटमोस्फेरिक कंडीशंस बिहाइंड द स्टॉपिंग्स बिल्ड टू सील ओल्ड वर्किंग्स विल बी डिटरमाइंड। ओल्ड वर्किंग्स को सील करने के लिए जो आपने स्टॉपिंग्स बनाए हैं उनका इंस्पेक्शन कितने दिन में एक बार किया जाएगा,
वहां उसके पीछे का शॉपिंग के पीछे का एटमोस्फेरिक कंडीशन पता करने के लिए। 7, 15, 30, 60, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 142, सब रेगुलेशन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, 17th क्वेश्चन आपका जो है तो आ गया रेगुलेशन नंबर 139, सब रेगुलेशन नंबर 1D। रेगुलेशन 139, सब रेगुलेशन 1D। 139 में ना जी ऐसा करता है, 138 बोलता है। अभी ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा श्रीधर शर्मा जी, रुको तुमको मुक्ति केंद्र भेजते हैं अभी। इन केस ऑफ जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक मेजर्स एंड प्रिकॉशंस टू डैश माइन फायर्स। फिर वो जंगली तुलसी दे दो जी इसको सागर। सुबह चाय में पिएगा दिन भर हंसेगा। इन केस ऑफ जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक मेजर्स एंड प्रिकॉशंस टू डैश माइन फायर। अब जनरल प्रिकॉशंस जो है अगेंस्ट फायर, ये कौन से रेगुलेशन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है रेगुलेशन नंबर 134 की। उसमें बोलता है कि ओनर एजेंट और मैनेजर जो है तो ऐसे मेजर्स लेंगे और प्रिकॉशंस लेंगे माइन फायर्स के साथ क्या करने का, उसको प्रिवेंट और डिटेक्ट करने का या फिर कॉम्बैट करने का कि स्टार्टिंग में ही उससे लड़ा जा सके फायर से, स्प्रेड का कि ज्यादा फैलने से रोकने के लिए, एंड ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी काम करने के लिए जो है तो ये लोग प्रिकॉशंस लेंगे मेजर्स लेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे मेजर्स लेंगे। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एसईसीएल 2020 सीरीज का आपका जो है तो प्रिकॉशंस फायर वाला चल रहा है, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है Which of the following statement is not true with respect to precautions after a fire has broken out? निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आग लगने के बाद प्रिकॉशंस लेने के लिए? आग लगने के बाद जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इफेक्टिव स्टेज स्टेप्स शैल बी टेकन विदाउट डिले टू डील विद फायर। सही शॉट कदम में उठाए जाएं, ठीक है, बिना किसी देरी के आग से डील करने के लिए। सभी व्यक्तियों को तुरंत ही माइंस से जहां पर आग लगी है वहां से, मतलब अगर आग लगी है माइंस में तो उस सभी व्यक्तियों को तुरंत ही विदड्रॉ किया जाए। पर्सन रिक्वायर्ड टू डील विद फायर शैल नॉट बी विदड्रॉन फ्रॉम द माइन। अब ऐसे व्यक्ति को जिनकी जरूरत है आपको कि हाँ आग से डील करेंगे, यही लोग डील करेंगे, उन व्यक्तियों को माइंस में से विड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, एक भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट ही ट्रू हैं, नॉट ट्रू वाला कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या शर्मा जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? Which of the following statement is true with respect to precautions after a fire has broken out? Except लिखा है? कहाँ लिखा है बी वाले में except? तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है बी वाले में? यहाँ पे आपका बोलता है कि आप सारे व्यक्तियों को वो विड्रॉ कर लीजिए बिना किसी देरी के, ये चीज बोल रहा है। अदर देन दोज हुज प्रेजेंस इन द माइन इज डीम्ड नेसेसरी फॉर डीलिंग विद फायर। तो इसमें तो मैंने दोनों ही केसेस में सही लिखा है कि सारे व्यक्तियों को विड्रॉ कर लीजिए इमीडिएटली,
आग की केस में, ठीक है। हाँ, एक केस ये भी है कि भाई अगर आप आग से डील कर सकते हो तो ऐसे व्यक्तियों को विड्रॉ मत करिए जिनको आग से डील करना है। ऐसे व्यक्तियों को विड्रॉ नहीं करना है जो कि आग से डील करेंगे। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। मान लो आग इतनी लग ज्यादा लग गई कि जस्ट सपोज, मैं सिर्फ इस ऑप्शन की बात करता हूं, आपको यहां पे ये नहीं दिया है आग कम लगी है कि ज्यादा लगी है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑप्शन की बात करें कि भाई आपका सभी व्यक्तियों को विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ तो करना ही है ना। मान लीजिए आग इतनी ज्यादा लग गई कि आप उसको नहीं डील कर सकते हो, तो उस केस में तो आप बोल दोगे कि नहीं, हम डील ही करेंगे, कुछ आदमियों को तो हम उससे लड़ने के लिए छोड़ेंगे जरूर। ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरा नियम आपका ये बोलता है कि आप सभी व्यक्तियों को विड्रॉ करिए ही करिए, ठीक है। और अगर एक केस ऐसा बनता है कि आग से लड़ा जा सकता है, तो उन व्यक्तियों को वहां पर छोड़ दीजिए, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। दोनों ही केसेस आपके करेक्ट हैं। हर जगह अदर देन या एक्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहां पर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसी के प्रिकॉशंस के रेस्पेक्ट में। पर्सन डीलिंग विद फायर शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर द माइन टिल फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। जो व्यक्ति आग से लड़ रहा है उसे तब तक अलाउ नहीं करना है माइंस के अंदर जाने का जब तक आग बुझ न जाए। तो फिर वो बाहर खड़े होकर क्या करेगा, समोसे खाएगा। पर्सन शैल बी अलाउड टू एंटर माइन बिफोर इफेक्टिवली सीलिंग ऑफ द फायर एरिया। फायर एरिया को सील करने के पहले ही सभी को अंदर जाने की परमिशन दे देनी है माइंस के अंदर जाने की। अब तंदूरी बनाना है क्या? पर्सन शैल बी अलाउड टू एंटर द माइन आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ मैनेजर इन फायर एरिया। मैनेजर के फायर एरिया में मैनेजर के इंस्ट्रक्शन के बाद व्यक्तियों को अलाउ कर देना है अंदर जाने के लिए, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर जब एग्जामिनेशन कर लेते हैं फायर एरिया का, ठीक है, और उसको सेफ डिक्लेयर कर लेते हैं, तब आपको क्या है कि आप किसी व्यक्ति को जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय मैनेजर फॉर एग्जामिनेशन इन फायर एरिया। फायर एरिया में एग्जामिनेशन करने के लिए मैनेजर के द्वारा क्या यूज किया जाएगा? फायर एरिया में एग्जामिनेशन करने के लिए मैनेजर के द्वारा क्या यूज किया जाएगा? फ्लेम सेफ्टी लैम्प, एनेमोमीटर, वेलोमीटर, वेंचुरी ब्लोवर। एकदम हलवा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्लेम सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है सब रेगुलेशन नंबर 3 में। सब रेगुलेशन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। अच्छा, फ्लेम सेफ्टी लैंप या फिर और क्या यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा? फ्लेम सेफ्टी लैंप के साथ साथ और क्या यूज करना होना चाहिए? एंड एंड है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लेम सेफ्टी लैम्प तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही एक और आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कि क्या हो, सीओ डिटेक्टर हो, सीओ डिटेक्टर, ठीक है। तो दोनों चीजें आपका साथ में होना चाहिए। हाँ बोलो आदित्य सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ वर्क डीलिंग विथ अ फायर इज इन प्रोग्रेस। अच्छा हाँ, मल्टी गैस डिटेक्टर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, आपका बोल रहा है कि जिस समय ना ना आग लगने के बाद,
आग लगने के बाद की कंडीशन है ये जितनी भी कंडीशंस है ना, ये रेगुलेशन नंबर 138 आग लगने के बाद, ठीक है। हाँ तो फ्लेम सेफ्टी लैंप क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? आप फिर क्या टेस्ट करने जाओगे? अगर आप जा रहे हो वहां पे तो आप क्या देखने जाओगे? फिर ऐसे ही हवा में बस खड़े होकर देखोगे आग बुझ गई कि नहीं बुझी? अगर आप आग बुझ भी जाती है, बुझा देते हैं आग से डील करते, तो फिर उसके बाद ना एग्जामिनेशन करने मैनेजर जाएगा, फिर उस जगह का एग्जामिन करेगा कि वहां पे आपका क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या है, ठीक है। क्या बात करता है जी, आग लगी आग बुझ गई और मैनेजर तो उसका एग्जामिन करने गया है ना कि सब कुछ सही शॉट है कि नहीं। अब वर्कर्स को तब ना अंदर भेजेगा वो जब सेफ होगा। तो देखो यहाँ पे आपका, अच्छा चलो तुम लोगों को सब रेगुलेशन बता ही देते हैं। सब रेगुलेशन नंबर टू देखो, सब रेगुलेशन नंबर टू देखो क्या बोल रहा है सब रेगुलेशन नंबर टू में, कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आग, किसी भी व्यक्ति को तब तक उस जगह पर नहीं भेजना है, अंदर नहीं भेजना है माइंस में या फिर आग लगी हुई वाली जगह पर, जब तक आग को बुझा ना दिया जाए। फायर इज एक्सटिंग्विश एक्सटिंग्विश, ठीक है। आप मतलब वर्कर को अंदर भेजने की बात कर रहे हैं। सब रेगुलेशन नंबर टू में क्या बोल रहा है कि वर्कर्स को हमें अंदर भेजना है। चलो तुम कॉल पे बताना, बाकी मैं तुम्हारा जो भी डाउट है, चलो मैं इसको समझा दूं फिर उसके बाद बात करते हैं ना। वर्कर्स को अंदर भेजना है, ठीक है। तो वर्कर्स को अंदर कब भेज सकते हो? जब आग बुझ जाए, पहली कंडीशन। दूसरा, इफेक्टिवली सील्ड ऑफ हो जाए, तब वर्कर्स को अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आपका एग्जामिनेशन हो जाए, एंड एंड यहाँ पे फिर उसके बाद बोलता है कि एंड एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। ये दोनों करने के बाद एग्जामिनेशन होगा, ये दोनों होने के बाद एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन मैनेजर के द्वारा किया जाएगा एंड, या फिर असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा किया जाएगा एंड, वो भी किसकी मदद से किया जाएगा? फ्लेम सेफ्टी लैंप या फिर एंड इसके साथ ही आपका सीओ डिटेक्टर के साथ किया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अंदर कब भेजना है? जब आग बुझ जाए या अच्छे से सील्ड ऑफ हो जाए, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा, वो भी फ्लेम सेफ्टी लैंप और सीओ डिटेक्टर की मदद से। विच ऑफ दी फॉलोइंग शैल नॉट बी एंश्योर्ड बाय द स्कीम प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर? अरे कहाँ पे आ गए यार, चलो ये पढ़ रहे थे, हाँ ये वाला देख रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ वर्क ऑफ डीलिंग विद फायर इज इन प्रोग्रेस? देखिए, जब तक आप आग से डील कर रहे हो, जब तक आप आग से डील कर रहे हो मतलब आग से लड़ाई जो जारी है आपकी, प्रोग्रेस में है, उस समय की बात अगर करें तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन हर वक्त वहां पे स्पॉट पे मौजूद रहे, पहला। ऑप्शन नंबर बी, प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू प्रिवेंट डेंजर टू पर्सन्स फ्रॉम वाटर गैस एक्सप्लोजन। ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे कि व्यक्तियों को वाटर गैस एक्सप्लोजन से बचाया जा सके। सीओ गैस डिटेक्टिंग अपरेटस शैल बी केप्ट नियर दैट प्लेस, जहां पे आग लगी है उसके आसपास आप सीओ गैस डिटेक्ट करने वाला अपरेटस रखिए, फ्लेम सेफ्टी लैंप रखिए ताकि आप CO2 और NO2 को
डिटेक्ट कर सके, है ना। फ्लेम सेफ्टी लैंप ऐसे उस जगह पे आसपास रखा रहना चाहिए ताकि आप CO2 और NO2 को डिटेक्ट कर सके। तो CO2 और NO2 आपका डिटेक्ट करने के लिए फ्लेम सेफ्टी लैंप नहीं रखा जाएगा, ठीक है। हाँ, आप तो क्या है यहां पर फिर O2 डेफिशिएंसी एंड CO, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वाइल सीलिंग द फायर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशन। फायर एरिया को सील करते समय आप निम्न में से किस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, किस चीज के लिए प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, या फिर किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। एस्फिक्सिएटिंग गैसेस, मतलब जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। रोलिंग डाउन हॉट मटेरियल, कोई भी गर्म मटेरियल जो है तो टुकड़ा जो है तो रोल डाउन करते हुए चला गया जलता हुआ मटेरियल, उससे प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे। फॉलिंग इनटू क्रेविसेस और पोर्टहोल्स, मतलब कि कोई ऐसा गड्ढा बन गया है या कोई ऐसी दरार आ गई है जिसमें कि एकाएक आप जाके गिर गए, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। इन सभी के केसेस में, इन तीनों केसेस में आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 138, सब रेगुलेशन नंबर 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी एंश्योर्ड बाय द स्कीम प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर। मैनेजर के द्वारा जो स्कीम बनाया जा रहा है, ठीक है, उस स्कीम के द्वारा कौन सी चीज जो है तो इंश्योर नहीं की जाएगी। इंश्योर बोले तो हिंदी में कुछ तो होता है, इंश्योर नहीं की जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ सुटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, डीलिंग एंड कंट्रोल ऑफ हीटिंग। एग्जामिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ, सुनिश्चित, हाँ सुनिश्चित नहीं करेगा, ठीक है, आपका वो स्कीम सुनिश्चित नहीं करेगा। एग्जामिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन टू कंट्रोल मीथेन लेयरिंग। एंश्योर सेफ्टी ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन। तो आपका मीथेन लेयरिंग की बात नहीं करता है कि मीथेन लेयरिंग का एग्जामिनेशन और मेंटेनेंस प्रोटेक्टिव मेजर्स ऐसे लेंगे कि मीथेन लेयरिंग को कंट्रोल कर सके। इसके बारे में आपका स्कीम जो है मैनेजर के द्वारा जो प्रिपेयर किया जा रहा है वो इसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। यहां पर आपका फायर या हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर के द्वारा जो स्कीम प्रिपेयर किया जा रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब चूंकि हमारा वही टॉपिक चल रहा है तो हम समझ गए क्या है। बाकी यहाँ पर आपका और ज्यादा डिटेल में आता है कि प्रिकॉशंस आफ्टर अ फायर हैज ब्रोकन आउट, ये भी लिखा रहता है एक लाइन, तो आपका एग्जैक्ट क्लियर कट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी खैर अभी के लिए आप समझ गए हैं कि यही है, तो यही है। तो ऑप्शन बता दिया, अरे नहीं बताया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन एवरी माइन एज पर द प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सी चीज, नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सी चीज को हर एक माइंस के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट सफिशियंट प्रेशर, फायर स्टेशंस विद सुटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, सफिशियंट सप्लाई ऑफ सैंड, सफिशियंट सप्लाई ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल। दस्ट, अरे सी बोल रहा था कोई अभी यार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओ क्या संदीप, ए कहां से हो गया यार। रेगुलेशन नंबर 139 देखिए, 139 उसमें आपका दिया हुआ है इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। देखो रेगुलेशन ही बोलता है कि आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए फायर फाइटिंग के। अब उन इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ए में बोल दिया पानी होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद बी में बोल दिया फायर स्टेशन विद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, सी में बोल दिया कि सैंड और इनकम्बस्टिबल मटीरियल होना चाहिए,
ठीक है, डी में बोल दिया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, डी में ही आपका सेमी ऑटोमेटिक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, ई में बोल दिया कि कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एफ में बोल दिया कि आपका किन किन जगहों पे यूज करना है, उसके बाद टू में बोल दिया कि सोडा एसिड अगर आप कहाँ नहीं यूज करेंगे, और थ्री में बोल दिया कि आप फोम टाइप कहाँ नहीं यूज करेंगे, और फोर में बोल दिया कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर केमिकल वाला कहाँ यूज नहीं करेंगे। तो इस टाइप से पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा आपको, ठीक है। अब इन्हीं रेगुलेशन में ये 139 जो रेगुलेशन है इसमें अब आपके ढेरों क्वेश्चन है। अरे मेरे पास तो चौक भी नहीं है तो खींच के मार देता। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर एट सफिशियंट प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड। निम्न में से किस जगह पानी पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आग को बुझाने के लिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के रूप में नॉट टू प्रोवाइडेड एज अ, चलो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा छूट गया है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सबका सही है। एज अ इधर आना, एज अ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, हाँ तो क्या था, हाँ कि कहाँ पर सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर आपको सफिशियंट प्रेशर में मेंटेन करना जरूरी नहीं है, जितने भी बिलो ग्राउंड वर्किंग्स हैं, वर्किंग प्लेसेस हैं, उन जगहों पर कोयले का स्टॉक है अगर कहीं पर, इंजन रूम है आपका, या फिर स्पॉइल हीप्स है जहां पर आपका कार्बोनेशियस मटेरियल भरा हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पर इंजन रूम इज द राइट आंसर। कौन है दी तेज, कौन तेज हो रहा है यहाँ पे बताएं फिर अभी। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फायर स्टेशन विद सुटेबल सप्लाई ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड। निम्न में से किस जगह फायर स्टेशन आप प्रोवाइड कराएंगे विद सुटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऑन सरफेस एंड बिलो ग्राउंड, HEMM में, माइन बाउंड्री के पास, एडजेसेंट माइंस में, बताओ नियम के अनुसार। अरे नियम दिया है यार, ऑन सरफेस एंड बिलो ग्राउंड कहीं भी लिख लो, सीधे सीधे दिया है, सरफेस और बिलो ग्राउंड में जो भी आपको सही सही जगह लगे, कन्वीनियंट पॉइंट हो जो आपका, वहां पे आप यूज करो, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट पॉइंट है। ये देखो संदीप को देखो, अपना नाम है लिख के भेज रहा है। अच्छा ए और एस अगल बगल होते, चलो कोई बात। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सफिशियंट सप्लाई ऑफ इनकम्बसिबल मटीरियल शैल बी मेंटेन एज अ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। निम्न में से किस जगह पर इनकम्बस्टिबल मटेरियल का सफिशियंट सप्लाई मेंटेन करके रखना है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के रूप में, हर एक माइन के एंट्रेंस में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस में, हर एक लैंडिंग एंड शाफ्ट बॉटम में जो कि यूज में हो रहा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो सभी जगह पे रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। सब रेगुलेशन नंबर सी में दिया हुआ है, 1C में, आप 139 के यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी था ना राइट आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर था। क्या था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शुरू से आज डी 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 चल रहा है बकायदा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सफिशियंट सप्लाई ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल शैल नॉट बी मेंटेन एज अ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। निम्न में से किस जगह पर इनकम्बस्टिबल मटेरियल का सफिशियंट सप्लाई मेंटेन करना जरूरी नहीं है, हर एक जगह जहां पर टिम्बर स्टोर किया गया है, क्या है ये, कुछ नहीं है, अटेंडेंस कम है अभी भी, जहां पर टिम्बर स्टोर किया गया है, हर एक सेल्फ प्रोपेल्ड माइंड राइडिंग कार, 2000 से भी अधिक स्टूडेंट्स जुड़े हैं,
जो क्लास ले रहा हूँ 2000+ स्टूडेंट्स का लेता हूँ, सिर्फ सरदारी की बात कर रहा हूँ। अब इसमें भी आप 41 लोग या 100 लोग भी आ जाते हो कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इतना ज्यादा ही हो सकता है। तो सही है कि थोड़ा ज्यादा लोग आओ तो अच्छा लगे। एवरी प्लेस आउटसाइड द माइंड बाउंड्री, वो लोग रिकॉर्डेड वाले हैं। हेलो एवरी प्लेस आउटसाइड द माइंड बाउंड्री वर्कशॉप में, तो यहां पर माइंड बाउंड्री के बाहर क्या ही करोगे यार, इनकम्बस्टिबल मटेरियल इकट्ठा करके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सफिशियंट सप्लाई ऑफ कमर्शियल मटेरियल शैल बी मेंटेन्ड एज द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। एवरी इंजन रूम एंड स्टोरेज बैटरी चार्जिंग स्टेशन एट लोकेशंस वेयर वेल्डिंग इज बीइंग डन एवरी मशीनरी प्लांट एंड इंस्टॉलेशन नन ऑफ द अबाउट। निम्न में से किस जगह पर कमर्शियल मटेरियल का आपको सफिशियंट सप्लाई मेंटेन करके रखना है? ठीक है, हर एक इंजन रूम, स्टोरेज जहां, या फिर बैटरी चार्जिंग स्टेशन जो होता है वहां पे, ऐसी लोकेशन जहां पे वेल्डिंग किया जा रहा हो, हर एक मशीनरी प्लांट और इंस्टॉलेशन पे, ठीक है, और आपका नन ऑफ द अबव। क्या यार पकड़ ले गए तुम लोग। हाँ बिल्कुल, यहां पर मैंने, अगर जिसने, किसी ने भी, हालांकि किसी ने गलत नहीं दिया है, यहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल वर्ड का यूज कर लिया मैंने, ठीक है, मैंने सोचा नहीं बनेगा यार, सबसे बन गया। कंबस्टिबल वर्ड मटेरियल वर्ड का यूज कर लिया है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। मेरा बेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं बार बार कह तेरी, आज का बेस्ट क्वेश्चन था मेरा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फायर सप्रेशन सिस्टम कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। निम्न में से किस प्रकार का फायर सप्रेशन सिस्टम कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में आप प्रोवाइड कराएंगे? वाटर फोम स्प्रे, डेल्यूज सिस्टम, ड्राई केमिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा चलो बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप बोलोगे क्यों क्यों, आपको जो सही लगे यार, ये कंपलसरी थोड़ी बोला है, डेल्यूज सिस्टम ही लगेगा। आपका रेगुलेशन क्या बोलता है 1E में? स्पेशली डिजाइंड वाटर फॉर्म स्प्रे, डेल्यूज सिस्टम और ड्राई केमिकल शैल बी इंस्टॉल्ड अबाउट ईच बेल्ट ड्राइव, बेल्ट टेकअप, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, गियर रिड्यूसिंग यूनिट एंड अदर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑन द बेल्ट सिस्टम। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप वाटर फॉर्म स्प्रे, डेल्यूज सिस्टम, ड्राई केमिकल्स का इस्तेमाल, ये वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं इनका इस्तेमाल, बेल्ट ड्राइव, बेल्ट टेकअप, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, आपका गियर रिड्यूसिंग यूनिट, या फिर जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में, वहां पे यूज करिए। गजब हो गया, मैं सोचा नहीं था इसमें गलती करोगे। तेरी की अधिक दिमाग लगा लिए क्या? चलो कम दिमाग वाले क्वेश्चन दूंगा तो नहीं बनेगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डेल्यूज सिस्टम ऑफ फायर सप्रेशन कैन बी प्रोवाइडेड?
निम्न में से किस जगह पर डेल्यूज सिस्टम ऑफ फायर सप्रेशन को आप प्रोवाइड करा सकते हो? बेल्ट ड्राइव, बेल्ट टेकअप, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे सब जगह देंगे यार, सब जगह ही तो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एज अ फायर सप्रेशन सिस्टम? निम्न में से, अब ये देखो, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना। निम्न में से किस जगह पर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है तो प्रोवाइड नहीं कराना है? थोड़ा सोच के आंसर देना। बेल्ट टेकअप ऑफ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट का जो बेल्ट टेकअप है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल कन्वेयर, इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कन्वेयर बेल्ट, गियर रिड्यूसिंग यूनिट ऑफ कन्वेयर बेल्ट, या फिर हाउलिंग मशीन। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलोगे क्यों, जिनको नहीं समझ में आया है, क्योंकि आपका सोडा एसिड में क्या बोलता है, कहां यूज कर नहीं कर सकते हैं इसको, ऑयल एंड इलेक्ट्रिकल फायर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो जहां जैसे इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट जो हो गया आपका कन्वेयर बेल्ट का, वहां पे अगर आग लगेगी तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए इसको वहां प्रोवाइड ही कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऑन व्हाट टाइम इंटरवल्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन? कितने समय में एक बार फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए? 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 12 महीना। सी बी आ रहा है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ तो 1 मंथ ही तो बोला मैंने, एवरी मंथ की जगह 1 मंथ कर दिया। अब बोलेंगे 30 डेज क्यों नहीं, क्यों नहीं बताओ भाई, 30 डेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जब मंथ बोला है, एवरी मंथ बोला है, तो मंथ चलता है कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, मंथ चलता है कैलेंडर के हिसाब से। अब वो 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। फायर एक्सटिंग्विशर्स गिविंग ऑफ पॉइजनस गैसेस शैल बी यूज्ड, नॉट बी यूज होगा ना, हाँ नॉट है। ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि पॉइजनस गैसेस देते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है? शैल नॉट बी यूज, अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, माइन प्रमिसेस, HMM। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिलो ग्राउंड नहीं यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड इन, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं? ऑयल फायर्स, इलेक्ट्रिकल फायर्स, वुड फायर्स, ऑल ऑफ द अबव। कैन नॉट भी होगा ना, तभी तो आंसर करेक्ट होगा। नॉट 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 नॉट, कहां पे यूज नहीं कर सकते, वो लगाना भूल गया था, समझ जा करो। इलेक्ट्रिकल फायर्स के केस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रिफिलिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी डन वंस एटलीस्ट इन एवरी डैश,
फायर एक्सटिंग्विशर्स का रिफिलिंग कितने समय में एक बार होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 मंथ में। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन एन ओपन कास्ट माइन हु कैन डू द एग्जामिनेशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स? माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑल ऑफ दी अबव? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के एग्जामिनेशन कौन करेगा बाबू? माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर? कॉम्पिटेंट पर्सन बोला है ना, कॉम्पिटेंट पर्सन। ओवरमैन बी। अरे वाह, वेरी गुड एवरीवन, क्या बात, तुम सब के सब गलत हो। सिर्फ एक दो लोग जो आंसर दिए, शायद विश्वजीत दिया है। डी इज द राइट आंसर, सागर भी दे दिया, शिवा भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलोगे काहे? ये यहाँ पे एक लाइन यूज हुई है छोटी सी, इन एन ओपन कास्ट माइन बिलो ग्राउंड की केस में, अंडरग्राउंड की केस में आपका क्या होता है, क्या होता है? ओवरमैन एंड सरदार, ओवरमैन एंड असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन एंड मैनेजर सर्टिफिकेट बोला है अंडरग्राउंड के केस में, लेकिन ओपन कास्ट माइन की केस में आपका सीधे सीधे बोला है माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर भी कर सकता है। ठीक है, पीछे ले जाके देख लेना कौन सा रेगुलेशन था, रेगुलेशन नंबर 247, 247 का सब रेगुलेशन नंबर 3। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.